गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजीनंदा, योर SST टीचर। स्टूडेंट्स, आज की एक्टिविटी क्लास में हमारा टॉपिक है आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत, जिसके में हम रहते हैं। इसके बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। ये आपका लेसन नंबर 1 भी है आपकी बुक में, तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से सुनें और समझें, जिससे कि आपका लेसन 1 भी रेडी हो जाएगा, आपके UT स्टार्ट हो जाएंगे 3rd वीक से। तो बेटा शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप इंडिया को कैसे पहचानते हैं? बेटा देखिए, आपको ये शेप दिखाई देती है, ये हमारे भारत की एक पिक्चर है कि हमारा भारत कैसे दिखता है। तो आप मैप के द्वारा इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जल्दी से पहचान सकते हैं कि ये क्या है, इंडिया है। ठीक है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, इंडिया का फिजिकल मैप है ये, मैंने आपको कई बार फिल करवाया है, दिखाया है। अब हम कुछ इनके बारे में बात करते हैं कि भारत में क्या क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडिया, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं भारत के बारे में जो आपके चैप्टर से भी रिलेटेड हैं और फैक्ट है, मतलब सच है, और आपको ये अगर आप ध्यान से सुनेंगे याद हो जाएंगी, तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा चैप्टर पूरा लर्न करना। शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडिया इज़ इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। भारत जो है वो एशिया के, विश्व के दक्षिणी हिस्से में है। साउथर्न पार्ट मतलब डाउन साइड, ऊपर नॉर्थ साइड और नीचे डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ। ठीक है, तो आप एशिया का मैप अगर देखते हैं तो उसमें नीचे की साइड इंडिया दिखाई देता है। तो कहाँ पर है ये, साउथर्न पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। भारत के अंदर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपने थर्ड क्लास में भी पढ़ा था 28 स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स के बारे में, मैंने भी आपको पहले भी लास्ट रेमेडियल क्लास में बताया था, मैं आपको फिर शो कर देती हूँ एक बार। देखिए, जैसा कि आपकी बुक में पेज नंबर 7 पर है, स्टेट्स एंड कैपिटल्स शो हो रही हैं आपको, ये अगर आप काउंट करेंगे तो क्या है ये, 28 हैं। ठीक है, 28 राज्य और उनकी राजधानियाँ। तो भारत के अंदर कितने राज्य राजधानियाँ हैं, 28 स्टेट्स हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया का मतलब है क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर जगह के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, कि कितनी जगह ले रहा है इंडिया का, जो पूरा क्षेत्रफल है, पूरा एरिया इंडिया का कितना है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो 7वें नंबर पर आता है ये। ठीक है, 7वां सबसे लार्जेस्ट कंट्री है ये, 7वें नंबर पर संसार की। नेक्स्ट है, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया था कि हमारी इंडिया की शेप अगर हम बात करें तो कैसी है, ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार की। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और हमारा जो भारत है पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे प्रसिद्ध है। ठीक है, फेमस है, जिसे हर कोई जानता है। अगर आप 10 लोगों को खड़ा करें तो उनमें से 7 लोग जो हैं वो आपको इंडिया जानते होंगे, इंडिया के बारे में। चलिए आगे, इट इज़ ए पेनिनसुला। भारत क्या है, एक प्रायद्वीप है। क्यों? क्योंकि तीन ओर पानी से घिरा हुआ है। पेनिनसुला इंडिया कहा जाता है, इसे प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के तीन ओर पानी है। हम जब भी मैप में दिखाते हैं तो आपको ब्लू हिस्सा में शो करती हूँ, फिर दिखा देती हूँ। देखिए, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ये तीन साइड क्या है, पानी है। ये ब्लू हिस्सा सारा वाटर शो करता है, तो तीन ओर से पानी से घिरे होने के कारण भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है, पेनिनसुला कहा जाता है, पेनिनसुलर इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज नॉट द सेम एवरीवेयर। जो भारत के अंदर क्लाइमेट है, जलवायु है, मौसम है, वो सब जगह सेम नहीं रहता है। आप खुद जान सकते हैं, अगर हम अपर साइड जाते हैं, नॉर्थ साइड में सारा पहाड़ी पर्वत एरिया आता है, हिमालय क्षेत्र, तो वहाँ पे ठंड ही रहती है, 12 महीने वहाँ बर्फ़ रहती है, तो ठंडा रहता है वो एरिया। और अगर हम राजस्थान की साइड जाएंगे, वेस्ट साइड, तो वहाँ पे सर गर्मी रहती है। ठीक है, तो आपको इससे पता लगता है कि भारत में मौसम जो है वो बदलता रहता है, सेम नहीं रहता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। अब भारत के अंदर एक उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या है, सबसे अधिक लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर हम पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की बात करें तो केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है हमारे लिए।
नेक्स्ट हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया, कुछ नेबर कंट्री पड़ोसी देश हमारे भारत के कौन कौन से हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। मैंने आपको मैप भी भरवाया था इसके इससे रिलेटेड, मैं फिर आपको वो शो कर देती हूँ। देखिए, अगर ये एशिया का मैप है तो एशिया के नीचे नीचे एक साइड कौन सी है, हमारी डायरेक्शन है साउथ। एक तो आपको ये साउथ डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, साउथ पार्ट है ये, ठीक है। इसके बाद ये साइड में इसकी दिखाई दे रही रेड कलर से, ये सारे इसके नेबर कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है बच्चों। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आते हैं कि आइसलैंड, आइसलैंड कौन से हैं, द्वीप समूह। तो मैप में आप देख सकते हैं कि आप कभी मैप देखेंगे तो उसके दो साइड लिखा होता है, एक साइड लिखा होता है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये आइसलैंड है, द्वीप समूह है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है। भारत के यहाँ पर दो आइसलैंड पाए जाते हैं भारत में, कौन कौन से हैं वो, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, सभी बच्चे ध्यान दें, ध्यान से इसे सुने, समझें, तो आपका चैप्टर 1 जो है वो आपको लर्न हो जाएगा। ओके, थैंक यू।